जैन दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जो भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। दरअसल दोस्तों, 19 देश शामिल होना चाहते हैं ब्रिक्स समूह में, और आपको बताना चाहूंगा जल्द ही साउथ अफ्रीका के अंदर होने वाला है बहुत बड़ा सम्मेलन, और ये सारी घटनाएं भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ब्रिक्स समूह में भारत एक महत्वपूर्ण लीडर है, साथ ही एक काबिल अध्यक्ष देश है। जैसा कि आप सभी मित्रगण जानते हैं, साउथ अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत जैसे महत्वपूर्ण देश इस समूह में शामिल है, और अब से 2 महीने बाद साउथ अफ्रीका में इस सम्मेलन की एक बड़ी बैठक होने वाली। लेकिन इससे पहले भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर के 19 महत्वपूर्ण देशों ने इस बात के लिए ब्रिक्स समूह को अप्रोच किया है कि आप सभी मिलकर हमें भी ब्रिक्स समूह में शामिल कर लीजिए, और यदि ये 19 देश भी इस ब्रिक्स समूह में शामिल हो जाते हैं तो इससे वेस्टर्न कंट्रियों को एक क्लियर कट मैसेज जाएगा कि दुनिया अब एक नई ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ चुकी है। दरअसल दोस्तों, ये समूह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समूह बन जाएगा यदि ऐसा होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी ज्यादा खास समूह है और इसके मेंबर्स की संख्या बढ़ती है तो नॉर्मल सी बात है इसका प्रभाव भी दुनिया भर में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों, पहले के जमाने में यूरोपियन देशों की मोनोपोली काफी चलती थी, क्योंकि दोस्तों दुनिया में 2 गुट बने हुए थे, एक यूएसए का और एक दूसरा यूएसएसआर का। लेकिन जैसे यूएसएसआर टूटकर रशिया बना तो रशिया वाला जो गुट था वो काफी ज्यादा कमजोर होता चला गया। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल रहा है और यही कारण है कि 19 देशों ने इस ब्रिक्स समूह में इंटरेस्ट दिखाया, जो कि एक नई कहानी बयान कर रही है। दरअसल दोस्तों, 13 देशों ने सीधा इस समूह को रीच किया है कि आप हमें इस समूह का मेंबर बना लीजिए, और जो 6 कंट्री है वो इन्फॉर्मली इस समूह के अंदर एंट्री करना चाहती है। मेन देश जो इस समूह के अंदर एंट्री करना चाहते हैं उनका नाम है अर्जेंटीना, यूएई, अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया। जैसा कि आप सभी मित्रगण जानते हैं, पिछले दिनों दुनिया भर में कई सारी उथल पुथल देखने को मिली, जैसे कि पेंडेमिक आई कोविड की, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन युद्ध, और दुनिया भर में आर्थिक मंदी और खाद्य संकट, और यही कारण है दोस्तों इन विषम परिस्थितियों में एक बार फिर से दुनिया 2 कैटेगरियों में डिवाइड हो गई है। एक तरफ वो कंट्रियां हैं जो कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते कहीं ना कहीं रशिया को क्रिटिसाइज कर रही हैं, और एक तरफ वो कंट्रियां हैं जो कहीं ना कहीं रशिया के सपोर्ट में खड़ी है। और इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी बन गई है, इस कैटेगरी में वो देश है जो कहते हैं ना तो हम रशिया की तरफ है और ना ही हम यूएस की तरफ है, हम अपने देश की तरफ है और हम इन दोनों देशों के साथ मिलकर अपने देश को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, मौजूदा समय में केवल भारत की ही बात करें तो हम अपने देश की बात करते हैं तो किसी एक लीडर की पूंछ पकड़कर चलना सही नहीं होगा, हमें दुनिया भर में सभी के साथ अपनी बना के रखनी पड़ेगी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जहां से हमें फायदा हो। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप एक मैप देख पा रहे होंगे जिसमें बताया गया है कि 52 देश जो कि ऐसे हैं रशिया को रशिया यूक्रेन युद्ध में क्रिटिसाइज करते हैं। इसी मैप के अंदर 12 देश ऐसे हैं जैसे चाइना, ईरान, वेनेजुएला और माली जैसे देश हैं जो रशिया को इस जंग में क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बल्कि रशिया का सपोर्ट करते हैं। और पूरे विश्व में जो नॉन अलाइन कंट्री है जो कि ना रशिया का सपोर्ट कर रही है ना ही यूएस का या यूक्रेन का, वो 127 कंट्री है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्रिक्स की। ब्रिक्स दोस्तों अपनी एक करेंसी लॉन्च करने की सोच रहा है, लेकिन दोस्तों ये 19 देश यदि ब्रिक्स में शामिल हो जाते हैं तो अमेरिकी डॉलर की मोनोपोली को कम करते हुए ब्रिक्स समूह अपनी जो नई लॉन्च होने वाली करेंसी है उसे काफी ज्यादा एक मजबूत स्टार्ट दे पाएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे के अंदर आप सभी मित्रगणों की क्या राय है, जो भी छोटे बड़े अपडेट निकलकर सामने आएंगे मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।